तो बात करते हैं शोल्डर डिसलोकेशन की नोट्स की। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, है ना। हमारे पास जो हम लोग जो देखो तीन चार क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा हर साल हमको देखने को मिलता है ना, शोल्डर फ्रैक्चर और ह्यूमरस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो शोल्डर डिसलोकेशन है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी टू डिसलोकेट यार, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, सो स्पेशलिटी ये है, तो क्वेश्चन तो हर साल लगभग आ ही जाता है ना। 5 नंबर में फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट इज दी, और ऑर्थो में मैं पॉइंट वाइज नहीं रखूँगा यार, थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे बिकॉज हमको समझना है। ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट और कॉमनेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी टू डिसलोकेट, इसे कुछ कारण है। बिकॉज पहला कारण है कि यहाँ पे ग्लिनोइड फोसा शैलो होता है, शैलो ग्लिनोइड फोसा। दूसरा कारण क्या है, लैक्सिटी ऑफ द लिगामेंट, थोड़े से लूज होते हैं लिगामेंट। एंड तीसरा है एनॉर्मस रेंज ऑफ मूवमेंट जो पॉसिबल होता है ह्यूमरस और ये शोल्डर जॉइंट के बीच में। एनॉर्मस रेंज ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल इन शोल्डर जॉइंट। ठीक है, कॉजेज की बात करें तो शोल्डर डिसलोकेशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं यार। देखो क्वेश्चन डिसलोकेशन शोल्डर के ऊपर आ सकता है या फिर एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम टॉपिक में एंटीरियर डिसलोकेशन रहेगा। ठीक है, सो कॉजेज की बात करें तो क्या हो सकता है, फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड, हाथ फैला हुआ है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड विथ शोल्डर एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड। ओके, दूसरा कारण हो सकता है डायरेक्ट फ्लो ऑन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर। ओके, डायरेक्ट ब्लो ऑन फ्रंट ऑफ शोल्डर। तीसरा है इलेक्ट्रिक शॉक, इसकी वजह से भी एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है, मतलब डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो सकता है। नाउ टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि, है ना, हेड ऑफ द ह्यूमरस कम आउट, तीन तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, मेन जो है यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस कम आउट ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, तो किधर आया हेड ऑफ ह्यूमरस, उसके ऊपर यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, डिसलोकेट होके जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो कहाँ गया, अगर एंट्रियर आ गया तो एंट्रियर डिसलोकेशन, अगर पोस्टियर आ गया तो पोस्टियर डिसलोकेशन, और अगर सब ग्लिनॉइड पोजिशन पे आ गया, सब ग्लिनॉइड पोजीशन पे आ गया, तो क्या बोलते हैं, लक्सेटियो इरेक्टा। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स होते हैं मेनली, यहाँ पे एंटीरियर डिसलोकेशन होता है मोस्ट कॉमनली। नाउ पैथोलॉजिकल जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं इन द डिसलोकेटेड शोल्डर जॉइंट यार, तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, बैंकर्स लीजन देखने को मिलते हैं, है ना। बैंकर्स लीजन क्या होते हैं, दिस आर द स्ट्रिपिंग ऑफ द ग्लिनॉइड लैब्रम, जनरली इसको हम सीटी स्कैन से देख सकते हैं, है ना। तो वो हम कराते हैं सीटी स्कैन ये देखने के लिए, मतलब एमआरआई कराते हैं इसको देखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रिपिंग ऑफ द ग्लिनॉइड लैब्रम। दूसरा हील सैक लीजन, हील सैक लीजन। तीसरा है राउंडिंग ऑफ ऑफ एंटीरियर ग्लिनॉइड रिम,
ये हिल सेक्स रीजन क्या होते हैं यार, यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलता है इन द पोस्टियो लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस। डिप्रेशन इन दी पोस्टीरियो लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। तीसरा यहाँ पे हमारे पास राउंडिंग ऑफ अ वेंट्रल ग्लेनॉइड रिम देखने को मिलता है, राउंडिंग ऑफ ऑफ एंट्रियर ग्लेनॉइड रिम। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, सो सिम्टम्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एंड एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा उसकी बात करते हैं। सो सिम्टम्स में हमारे पास शोल्डर जो होगा एडेक्टेड या फिर एक्सटेंड रोटेटेड देखने को मिल सकता है ना, एंड उस पेशेंट उसको सपोर्ट कैसे करेगा, इंजर्ड आर्म को ऑन दी एल्बो, ऐसे हाथ को पकड़े हुआ आएगा एल्बो को, ठीक है। सो शोल्डर एडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, एंड पेशेंट कैसे आएगा भाई, उसको दिखाएगा कैसे, पेशेंट सपोर्ट्स दी इंजर्ड आर्म एट दी एल्बो, एंड यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री लेके आएगा, हिस्ट्री ऑफ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, है ना, आउटस्ट्रेच्ड हैंड के ऊपर मतलब हाथ फैला के गिर गया, उसके बाद उसको दर्द हुआ वहाँ पे एंड वो मूव करने में उसको दिक्कत हुआ, है ना। सो हिस्ट्री ऑफ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड फॉलोड बाय पेन एंड इनएबिलिटी टू मूव शोल्डर। एग्जामिनेशन जब हम करेंगे, ऑन एग्जामिनेशन हमारे पास एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलेगी यार, पहले तो नॉर्मल जो राउंड कंट्रू होता है शोल्डर जॉइंट का वो लॉस्ट हो जाएगा, ऐसा फ्लैटन दिखने को मिलेगा, है ना। हमारे पास जो फुलनेस देखने को मिलेगा मतलब बिलो प्लेविकल ड्यू टू डिस्प्लेस्ड हेड, जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ना उसको जो डिस्प्लेस हो गया उसके वजह से जो फुलनेस देखने को मिलेगा क्लेविकल की जो, बिकॉज गड्ढा सा होता है लेकिन गड्ढा सा नहीं खिलेगा यहाँ पे। सो फुलनेस बिलो क्लेविकल ड्यू टू डिस्प्लेस्ड हेड, एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन नहीं कर पाएगा, इट इज रेस्ट्रिक्टेड यार, सॉरी एबडक्शन नहीं एडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ना, क्योंकि तो उसका हाथ कैसे लेके आया, वो एबडक्टेड लेके आया और एक्सटर्नल रोटेटेड लेके आया, तो क्या नहीं कर पाएगा, एडक्शन नहीं कर पाएगा, पास नहीं ला पाएगा और इंटरनल रोटेट नहीं कर पाएगा, ये रेस्ट्रिक्टेड होगा। और क्या डुगास टेस्ट पॉजिटिव होता है, मतलब वो अपोजिट शोल्डर को टच नहीं कर पाएगा यार, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर को टच नहीं कर पाएगा, इट इज डुगास टेस्ट इज पॉजिटिव मतलब इनएबिलिटी टू टच अपोजिट शोल्डर। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे पास, एंड ऑल्सो जो सरकमफ्रेंस है अफेक्टेड साइड का वो ज़्यादा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अनअफेक्टेड साइड, ये हो गया। नाउ इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं भाई, इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सरे कराएंगे, ठीक है, एक्सरे में हमारे पास जो एंट्रियो पोस्टीरियर व्यू होगा वहाँ पे हमको साफ साफ देखने को मिलेगा यार कि, है ना, ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा हेड ऑफ द फीमर एंड ग्लेनॉइड, ओवरलैपिंग ऑफ हेड ऑफ फीमर एंड ग्लेनॉइड। जब हम एमआरआई कराएंगे तो एमआरआई के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बैंक्रट्स लीजन देखने को मिल सकता है, मतलब जो स्ट्रिपिंग ऑफ द ग्लेनॉइड लैब्रम, या फिर हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं पैनकार्ड से जिनको देखने के लिए। नाउ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे हम रिडक्शन करते हैं, वापस जगह में लाने की कोशिश करते हैं, वे अंडर जनरल एनेस्थीसिया।
सो रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, एंड उसके बाद क्या करेंगे, इमोबिलाइजेशन कर देते हैं उस हाथ को, जैसे पट्टी में आपने देखा होगा पिक्चरों में ऐसे बांध कर देते हैं ना, हाँ, तो इमोबिलाइजेशन ऑफ द शोल्डर है ना इन द चेस्ट आर्म पोजिशन, ठीक है, कितने दिन के लिए, 3 हफ्तों के लिए इमोबिलाइजेशन ऑफ दी शोल्डर इन अ चेस्ट आर्म बैंडेज फॉर 3 वीक्स, ठीक है। अब टेक्निक ऑफ रिडक्शन की बात करें तो कैसे इसको रिड्यूस करेंगे यार, बहुत सारी टेक्निक हैं, लेकिन हमारे पास जो कॉमन फॉलो करते हैं वो इज कोशर्स मैनूवर। है ना, इसमें क्या करते हैं, कोशर्स मैनूवर में ट्रैक्शन, फिर एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एबडक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, फिर एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एडक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन। ये हो गया हमारे पास रिडक्शन। नाउ कॉम्प्लिकेशन होते हैं यार, ठीक नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर इंजरी हुआ तो मतलब ठीक क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर शोल्डर डिसलोकेशन हुआ तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है द एक्सिलरी नर्व यार। ओके, हमारे पास रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो सकता है, बार बार रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ, रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। यहाँ पे शोल्डर स्टिफ हो सकता है भाई, तो शोल्डर स्टिफनेस फेलियर देखने को मिल सकता है, रिड्यूस द डिसलोकेशन यार। सो ये हमने देखा अबाउट कॉम्प्लिकेशन या ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स हमको क्या देखने को मिलेंगे, पैथोलॉजिकल चेंजेस, टाइप्स की बात, कॉजेस की बात की, एंड स्पेशलिटी जो कि शोल्डर जॉइंट का होता है, इन शोल्डर डिसलोकेशन या अगर एंटीरियर डिसलोकेशन आता है तो फिर यहाँ पे टाइप्स, बस एंटीरियर नहीं लिखना पड़ेगा, टाइप्स नहीं बताना पड़ेगा, कॉज बताना है, स्पेशलिटी बताना है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, ठीक है। तो हमारे पास लॉन्ग आंसर आ सकता है इससे, एंड शॉर्ट आंसर भी आ जाता है, चीज़ें सेम रहनी है।